बच्चों आज वर्ग 10 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक होगा शब्द शक्ति। आपके पाठ्यक्रम में है शब्द शक्ति, तो हम जानेंगे शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा शब्द का प्रसंगानुसार वांछित अर्थ प्राप्त होता है। प्रसंग के अनुसार उसका सही अर्थ पता लगता है। जैसा प्रसंग होगा वैसा ही उसका अर्थ हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कुछ ना कुछ शक्ति होती है। अपनी शक्ति द्वारा ही वह वस्तु किसी ना किसी काम को संपादित करता है। और शब्द अपनी शक्ति द्वारा अपना अर्थ स्पष्ट करता है। ये भी बात ध्यान रखना है कि शब्द ऐसा है अपनी शक्ति द्वारा अर्थ को स्पष्ट करता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक गाय है, अर्थात इसका मतलब है कि हमारे पास जानवर है लेकिन एक गाय है। गाय से तात्पर्य यह निकल जाता है कि गाय एक दूध देने वाली पशु है और वह चौपाया है। गाय कैसी है? चौपाया है। अगर मान लीजिए कि यही गाय शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं कि राधा बिल्कुल गाय है, तो इसका मतलब यह हुआ कि राधा एकदम सीधी साधी लड़की है या औरत है। अर्थात सीधापन से देखिए अपनी शक्ति शब्द शक्ति यहां पर प्रयोग हो रहा है। गाय शब्द यही गाय शब्द यहां जो है बता रहा है कि यह दूध देने वाली एक गाय है, पशु है, दूध देने वाला पशु है और यह चौपाया है, चार पैर वाला है। लेकिन यही गाय शब्द यहां पर बिल्कुल ही राधा के बारे में संकेतित कर रहा है। अपनी शब्द शक्ति यही शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है और बता रहा है कि राधा सीधा मतलब कि सीधी साधी है। अब रही बात शब्द शक्ति, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो शब्द शक्ति में पहला बात है शब्द और दूसरा है शक्ति। तो हम लोग कल पढ़ेंगे शब्द के बारे में, शब्द को अलग करके उसके बाद में फिर पढ़ेंगे शब्द शक्ति। तो शब्द के भी तीन भेद होते हैं और शब्द शक्ति के भी तीन भेद होते हैं। तो शब्द के बारे में देखिए, ये व्याकरण है, आपको एक अच्छा मौका मिला है व्याकरण को विधिवत समझने का। आप घबराइए मत, यह आपके कोर्स में है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि शब्द शक्ति क्या है। आगे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा।